गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो हमने क्वांटम नंबर्स की बात शुरू की थी और क्वांटम नंबर्स का हमने बताया था ये ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनको कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यदि रख दिया जाए तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मीनिंगफुल सॉल्यूशन यानी कि आइगन वैल्यूज ऑब्टेन हो जाती हैं रिलेटेड टू डिफरेंट वेव फंक्शंस। अब इसमें तीन कांस्टेंट ऐसे थे जिनको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रख सकते हैं, प्रिंसिपल, एजीमथल और मैग्नेटिक। इसके अलावा अब बात आती है कि इन एडिशन टू दीज थ्री देयर इज अनदर क्वांटम नंबर रिलेटेड टू स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर तरह के मोशन से वहां पर एक एनर्जी जुड़ी हुई है जिसको कि हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्वांटम नंबर्स के थ्रू। तो ऐसा ही चौथा क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस पे स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन को यदि हम देखें इस तरीके से तो एक्सिस पे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो तरह से मोशन हो सकता है। तो इन मोशन से डायरेक्शन जरूर अपोजिट है लेकिन एनर्जी सेम होगी, तो इन मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी है दैट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप देखिए जो इनिशियल थ्री क्वांटम नंबर्स हैं दे डिफाइन एन ऑर्बिटल, ये परफेक्ट कंप्लीट तीनों मिलकर के कंबाइंडली एक ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं, और चौथा जो क्वांटम नंबर है दैट डिफाइन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन स्पिन मोशन। बेसिकली टीचर जो एक्सप्लेन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के फॉर्म में चारों क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फैक्ट वो है जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरह के मोशन से रिलेटेड एनर्जी को कैलकुलेट करने के काम में आती हैं एंड दे आर पुट इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब एड्रेस से रिलेटेड चीज़ में भी आपको समझाऊँ, जैसे मान लीजिए एक सिटी है, सिटी में बहुत सारे स्कूल हैं, स्कूल में बहुत सारी क्लासें हैं और क्लास में बहुत सारे सेक्शन हैं और सेक्शन में स्टूडेंट्स हैं। तो सिटी तो होगा एक एटम, एटम में बहुत सारे स्कूल्स हुए तो दोज आर शेल्स। पहले इनको ऑर्बिट कहा गया था 2D पाथ को। शेल को आज आप इमेजिन करें तो एक फुटबॉल या वॉलीबॉल लें एटम स्ट्रक्चर के बारे में, वॉलीबॉल के जो बाहर का जो रबड़ है या कपड़ा है उसको हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लिया और उसके अंदर सेंटर में एक छोटी सी गोली साइकिल में जो निकलती है छोटी गोल गोली लोहे की उनमें से एक को रख दिया बिल्कुल हवा में सेंटर में, तो वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। पूरा जो क्लाउड वो कपड़ा होगा वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को 3D में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इमेजिनेशन है आज की तारीख में किसी भी एटम का। तो यहाँ पर सिटी को हमने एटम से रिलेट किया, सिटी में बहुत सारे स्कूल होते हैं तो एटम मतलब बहुत सारी शेल्स होती हैं जिसको हमने नाम दिया KLMNOPU जो पहले कभी ऑर्बिट कही गई थी, ऑर्बिट 2D और शेल 3D। अब जैसे कि स्कूल के अंदर क्लासेस होती हैं ऐसे शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, यानी कि इसके अंदर क्लासेस और शेल के अंदर सब शेल और क्लास के अंदर सेक्शंस, तो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं और हर सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स होते हैं कि इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लिए जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिए जाते। इस तरीके से लोग क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं जो मैंने भी कर दिया। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि बेसिकली पहला सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रपोज बाई नील्स बोहर एंड रिप्रेजेंटेड बाई एन, और वैल्यू ऑफ एन वेरी करती है बिटवीन 1 to infinity, एक से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकती हैं। इट डिटरमाइंस, ये क्या चीज़ डिटरमाइन करता है, प्रिंसिपल शेल यानी कि जो मेन शेल है उसको डिफाइन कर रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, और इनको KLMNOPQ से डिफाइन किया जाता है फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शेल। एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको पहले दे चुका हूँ और ये रेडियस का फॉर्मूला, यदि इसमें एन की वैल्यू पुट कर दिया इसमें यहाँ और इसमें यहाँ तो हमारे दोनों वैल्यूज निकल आती है एनर्जी और रेडियस, यानी उस शेल की रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये दोनों चीज़ें इसमें। और मैंने बताया एम के इसमें कैलकुलेट करने के लिए ऊपर K² से और नीचे K से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिसकी वैल्यू होती है 1.4π/0। दूसरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की हम बात करेंगे तो इसको एल से डिनोट किया था समरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट ने, और शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं जो उस समय उसने कहा था ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होती हैं, तो ये समरफेल्ड ने डिफाइन किया था। आज की तारीख में हम शेल के अंदर सब शेल मान के चलते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन, यानी शेल के अंदर कितने सब शेल है वो शेल की संख्या पर डिपेंड करता है, एंड दिस वेरी फ्रॉम 0 to n-1, यानी कि सेकेंड शेल है तो 0, 1 दो वैल्यूज होंगी, थर्ड शेल है तो 0, 1, 2 यानी एक कम तक, 3 के लिए 2 तक, 4 के लिए 3 तक मैक्सिमम वैल्यू होती है शेल सब शेल्स की शेल के अंदर। अब यहाँ पर एल का डिटरमाइन करता है द सब शेल टू विच इलेक्ट्रॉन लाइज, वो सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करता है, और टिल टुडे टोटल 4 वैल्यू हमें एल की बताएं 0, 1, 2, 3, जहाँ पर 0 डिफाइन करता है एस सब शेल्स को एज पर शार, ये स्पेक्ट्रल लाइन के बेसिस पर नाम है। L इक्वल टू 1 है तो P सबसे लाएगी, P फॉर प्रिंसिपल, लाइन थोड़ी मोटी हो जाएगी, शार्क मतलब बहुत महीन और P का मतलब थोड़ी मोटी।
एल की वैल्यू यदि टू आती है तो डी सबसे लाती है, डी का मतलब है डिफ्यूज्ड यानी थोड़ी बिखरी हुई लाइन, और एल इक्वल टू थ्री तो एफ फॉर फंडामेंटल, यहाँ पर एफ लिया था एफ सब शेल, इसका मतलब होता है कि लाइन बनने की स्थिति तो है स्पेक्ट्रल लाइन की लेकिन वो बन नहीं पाई, ये भी अभी डिफ्यूज से भी ज़्यादा बिखरी हुई है। और यदि कभी भविष्य में एल की वैल्यू फोर के लिए सब शेल खोजी गई तो उसका नाम दिया जाएगा जी और इसके आगे एच आई जी के एलेवन, अभी ये मिली नहीं है अभी तक जी सब शेल हमें, लेकिन कभी खोजी गई तो क्वेश्चन कंपटीशन में इस तरह से आते हैं कि एच सब शेल खोली गई तो किसमें मिलेगी हमें, तो जी मिलेगी हमें पांचवीं शेल में और एच मिलेगी छठी शेल में, ये ध्यान रखिएगा। अब टोटल वैल्यूज ऑफ एल जो होती है यानी एक शेल के अंदर कितनी सब शेल्स हैं वो एन पर डिपेंड करता है, यानी एन का नंबर टू है तो दो सब शेल आएंगे जीरो एंड वन, एन का वैल्यू यदि थ्री है तो जीरो वन टू तीन सब शेल आएंगी, एन की वैल्यू चार है तो जीरो वन टू थ्री चार सब शेल आएंगी। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, पहली में केवल एस एस पहली शेल में, दूसरी में एस पी दो सब शेल, तीसरी में एस पी डी तीन सब शेल, चौथी में एस पी डी एफ चार सब शेल, और यदि पांचवीं में कभी मिली पूरी तो एस पी डी एफ जी मिलेंगे, लेकिन हालांकि जी अभी नहीं मिली तो अभी तक हमें चार ही मिली है। इसके अलावा शेप्स ऑफ सबशेल भी डिफाइन करता है, और आप जानते हैं आपने पढ़ रखा है कि एस की सबशेल की जो शेप होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, या तो हम 2D में शो कर सकते हैं लेकिन 3D बॉल मान लें। पी जो होती है वो डंबल शेप में होती है, दो लोब होते हैं, ये नोडल प्लेन कहलाता है, और यदि ये पी एक्स है तो नोडल प्लेन इनकी में होगा पी वाई और पी जेड में। फिर उसके बाद में आता है आपका डी सबशेल, डी सबशेल में दो डंबल्स आते हैं जिनका कि नोडल पॉइंट एक जगह कॉन्साइड करता है, और एफ सबशेल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है। एफ सबशेल की शेप में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, तो ये अभी एक्सप्लेन करना पूरी चाहिए, तो ये सबशेल्स कुछ नेट के थ्रू निकाली गई शेप्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं। ये एफ जेड क्यूब ली गई है इसके अंदर, ये वाली एफ जेड क्यूब, और ये अलग अलग तरह की एफ ऑर्बिटल, इनमें भी कंफ्यूजन है, कोई कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है, अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स नाम दिए गए, मैं तो एक व्यू को फॉलो करूंगा जो आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इस तरीके से हम बात कर रहे थे शेप्स की। अब आता है नेक्स्ट इसमें कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोशन, क्योंकि जब एंगुलर मोशन होगा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यूँ घूम रहा है यूँ करके, यूँ यानी इसको मैं दिखाऊं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ यदि यूँ घूम रहा है तो ये दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोशन। ऐसे में इलेक्ट्रॉन यूँ घूम रहा है इसमें कोई एंगुलर मोशन नहीं है, इसलिए एल की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखी है जिससे कि कोई भी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट नहीं होगा, इसके लिए जीरो आएगा। और ये एंगुलर मोशन है पी का और ये एंगुलर मोशन है डी का, इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो म्यू इक्वल टू एच ओपन टू पाई एल इन टू एल प्लस वन आता है, जहाँ पर एच ओपन टू पाई को एच क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस लगा देते हैं जिसको नाम दिया था रिड्यूस्ड प्लैंक कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 1.054 × 10⁻³ जूल सेकंड होती है। तो अब एंगुलर मोमेंटम की वजह से एंगुलर मोशन की वजह से इसको एंगुलर क्वांटम नंबर नाम भी दिया गया है, इसके कुछ और नाम भी हैं जैसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेसिकली शेल के अंदर सब सेल्स होती हैं, सबर्ट फ्रेंड ने बताया था, सबर्ट फ्रेंड ने कहा था ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें से हर ऑर्बिट के अंदर पहली सब ऑर्बिट सर्कुलर होती है और बाकी इलेप्टिकल होती हैं। आज की तारीख में कहा जाता है कि हर शेल के अंदर पहली सब शेल यानी एस 1s, 2s, 3s, 4s ये सारी स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती हैं और बाकी जो होती हैं वो इलेप्टिकल के जगह पर यहाँ लिया जाकर डंबल या डबल डंबल शेप में होती हैं, या फिर f की बात करें तो ट्रिपल डंबल। अब आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल mc नोट करते हैं, mlc भी कहते हैं। इसको लेंडे नाम के साइंटिस्ट ने प्रकट शो किया था 1921 में, कुछ बुक्स में इसका नाम लेंडे दे रखा है LINDA, लेकिन वो गलत है, मैंने कई जगह इसको सर्च कर लिया है, दिस इज लेंडे। इट वॉज गिवन मेनली टू एक्सप्लेन ज़ीमन इफेक्ट, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन जो ओरिजिनली दिखाई दे रही थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उनमें फर्दर स्प्लिटिंग थी, वो एक्सप्लेन किया था सोमरफेल्ड ने ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल्स इंटू सेल्स। लेकिन अब जब किसी लाइट एमिटिंग सोर्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो जो फर्दर डिविजन था उनके अंदर हर लाइन के अंदर और डिविजन हो जाता है, यानी कि सब सेल्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इंटू ऑर्बिटल्स। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा चाहता हूँ आप समझिएगा कि हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह से दिखाई दे रही थी तो पता चला ये तो हमें दिख रही थी ओरिजिनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, पता चला एक सिंगल लाइन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस लाइंस, ये डिवीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर, ये शेल्स को डिफाइन कर रहे हैं तो ये सब शेल्स को, ठीक है। और इसके बाद में जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया एटम को यानी लाइट एमिटिंग सोर्स को तो वहां पर एक लाइन के अंदर यानी एक लाइन ये है इसके अंदर फर्दर डिवीजन हो गए कई सारे, और इसका मतलब शेल्स के अंदर
और वाइट सब सेल्स के अंदर और वाइटल सेल। तो यहां पर जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीमन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेट क्वांटम नंबर प्रपोज किया गया था। बेसिकली डिफाइंस ओरिएंटेशन एंड डिवीजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सबशेल इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यदि पी का इस तरीके से है तो एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड 300 बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसको जेड एक्सिस माना था, ये पी जेड में बढ़ गया, ये पी एक्स में बढ़ गया, पी वाई इसके परपेंडिकुलर होगी, ऊपर नीचे से ऊपर तक परपेंडिकुलर, इसको हम यू शो कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड तीन तीन डिवीजन में बढ़ गया, पी एक्स, पी वाई और पी जेड में। पी वाई को हम ऐसे शो करें जैसे कि दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेस्ट ऑफ द प्लेन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आई यू पी एस में जेड एक्सिस मानते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्स एक्सिस मानते हैं और परपेंडिकुलर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन को मानते हैं वाई एक्सिस। बाकी तो किताबें अपने अपने हिसाब से देती रहती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये ओरिएंटेशन को शो कर रहा है ऑर्बिटल्स के, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हैं आप। तो इसको नाम दिया था ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर ही नाम दिया गया था। वैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी हुआ। एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन की वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही थी, इसलिए इसकी वैल्यू एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करेंगी। क्योंकि जब एंगुलर मोशन पर डिपेंड करी तो एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करेंगी, इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू एंगुलर मोशन वो म्यू एम से नोट किया जाएगा, इट इज ई एच अपन 4πmc अंडर रूट एल इनटू एल प्लस 1। जहां पर ई एच अपन 4πmc मतलब 9.2732 × 10⁻¹⁴ जूल होता है और दैट इज म्यू एम इक्वल टू होगा एल इनटू एल प्लस 1 bm। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है 1 bm। ई एच अपन 4πmc जूल में इतनी वैल्यू आएगी और बोर मैग्नेटॉन में आएगी 1 वैल्यू। तो यदि इसकी जगह 1 पुट कर देता हूं, म्यू एम इक्वल टू हो जाएगा एल इनटू एल प्लस 1। यानी एल की वैल्यू 0123 आप पुट कीजिएगा और एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल आएगा। तो यहाँ पे एल की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं, 0 0 प्लस 1, तो अगेन 0 हो गया। तो इसका मतलब स्फेरिकल सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो गया एस ऑर्बिटल। यदि 1 पुट करते हैं तो 1 × 1 + 1 यानी कि अंडर रूट 2 निकल के आएगा इसके अंदर। अंडर 2 की वैल्यू बोर मैग्नेटॉन निकल गया 1.732। इससे हम ये भी आईडिया लगा लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोर मैग्नेटॉन में हमें वैल्यूज मिलती चली आती हैं और हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यूज ऑफ एम वेरी फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। यानी एल की वैल्यू यदि मान लिए माइनस, एल की वैल्यू 2 है, यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग 0 1 2, तो यानी डी सबशेल की, तो उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स आएंगी, -2 -1 0 + 1 + 2। तो इस तरह से -L to +L होती है इंक्लूडिंग 0, इसलिए इन दोनों के लिए तो ट्वाइस एल हो गया और 0 के लिए 1 हो गया। तो टोटल वैल्यूज ऑफ एम यानी टोटल वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल वो 2L + 1 के बराबर बैठेंगी। यानी एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल हैं, जैसे मान लीजिए हम डी सबशेल की बात करते हैं तो एल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 × 2 + 1 तो इक्वल टोटल 5 हो गया। आप जानते हैं डी में 5 सबशेल होती हैं, और इसके अलावा 2 × 2 + 1 इक्वल 5। और यदि हम बात करते हैं मान लीजिए कि एल की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 + 1 यानी एफ सबशेल की बात करें, ये हमारी डी की बात हुई थी, तो ये टोटल 7 ऑर्बिटल्स हो गए। चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं इसमें कि टोटल वैल्यूज हमारी 12 + 1 आ गई तो ऑर्बिटल की। इट डिटरमाइंस ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दस आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको। तो अब इसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं, यदि वैल्यू ऑफ एल 0 है तो एम की सबशेल एस कहलाएगी, वैल्यू ऑफ एम भी 0 होगी और ऑर्बिटल एस ही कहलाएगी। यदि एल की वैल्यू 1 है तो सबशेल पी कहलाएगी, यहाँ पर -1 0 और +1 ये तीन वैल्यूज होंगी, जहाँ पर -1 पी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 पी जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और +1 पी वाई को। अब यदि यहाँ पर एम एल की वैल्यू 2 है तो डी सबशेल कहलाएगी और वैल्यूज होंगे -2 -1 0 + 1 और +2, और ये डी एक्स वाई डी एक्स जेड, इसको डी वाई जेड भी कहते हैं, 0 के लिए डी जेड स्क्वायर आएगा। यदि ऊपर हमने डी एक्स जेड लिया है प्लस -1 को तो +1 हो जाएगा डी वाई जेड, और यदि डी वाई जेड लेते हैं तो वो डी एक्स जेड हो जाएगा, और लास्ट +2 के लिए डी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर। तो ये इनके सबशेल्स हैं एफ की, और कॉम्प्लिकेटेड है। यदि एल की वैल्यू 3 है तो ये एफ सबशेल कहलाएगी, -3 से लेकर +3 तक इसकी टोटल वैल्यूज होंगी, और यहाँ पर एफ की वैल्यू एफ एक्स क्यूब एफ वाई क्यूब एफ एक्स ब्रैकेट से बाहर है जेड स्क्वायर -y स्क्वायर एफ जेड क्यूब एफ वाई एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर जेड स्क्वायर
और एफ जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स वाई जेड। हालांकि इनमें अभी भी डिस्प्यूट है क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग साइट्स भी नेट पे देखे जाए तो अलग अलग वैल्यूज शो कर रही हैं। तो इनकी शेप्स की बात में यदि आपसे दोबारा करता हूँ तो देखिए मैं शेप्स आपको इसके थ्रू दिखाता हूँ एक बुक के थ्रू। इनमें बात करते हैं तो देखिए ये हमारी क्या नाम एस को शो कर रहा है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। और सॉरी इसकी बात करें यहाँ पर हम तो ये इस समय रिप्रेजेंट कर रहा है ये पी एक्स ऑर्बिटल को शो कर रहा है। ये एक्स एक्सिस मानी इन्होंने, इस एक्सिस के अलोंग पी और एक्स ऑर्बिटल है, ये वाई की अलोंग है। तो एक प्लस साइन और माइनस साइन का मतलब ये डायरेक्शन से है, यहाँ कुछ चार्ज नहीं है। ये जेड इन्होंने वर्टिकल मानी है तो यहाँ पर जेड ऑर्बिटल के अलोंग ये डबल शेप है। ये डबल डंबल शेप में एक लोब माइनस में होगा तो एक सॉरी एक डंबल के दोनों लोब माइनस में, एक डंबल दोनों लोब प्लस में। ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, सॉरी ये डी एक्स वाई है, ये डी एक्स जेड है, डी वाई जेड है। ये तीनों ऑर्बिटल्स इंटर एक्सियल प्लेन में होती हैं यानी एक्सिस के बीच में, जबकि ये जो बाकी रेस्ट ऑफ ऑर्बिटल एक डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस। देखिए ये लोब एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और ये डी जेड एक्सिस पर एक लोब ये है और एक लोब ये होता है इस तरीके से। तो ये टोटल आपकी क्या ना पांच ऑर्बिटल हैं डी की। एफ की मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड शेप है उसकी। नाउ कम कि हमारे पास में कितनी ऑर्बिटल्स थी एक सबशेल के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल 12 प्लस 1 थी। देखिए टोटल नंबर ऑर्बिटल्स इन अ शेल की बात करते हैं तो एन स्क्वायर आता है। अब आती है आपकी डिजनरेट ऑर्बिटल्स। यदि एक ही सबशेल की सारी ऑर्बिटल सेम एनर्जी की हैं तो हम उनको डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस नहीं किया जाए लाइट इमर्जिंग सोर्स को, तब तक इन ऑर्बिटल में एनर्जी का कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। वैसे पी में आपका तीन ऑर्बिटल्स से थ्री फोल्ड डिजनरेसी कहते हैं, डी में फाइव फोल्ड डिजनरेसी कहलाती है और एफ में सेवन फोल्ड डिजनरेसी कहलाती है। अब लास्ट आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर को गाउड स्मिथ तो हेलेन बेक ने प्रपोज किया था। इट रिप्रेजेंट इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, यानी कि अपनी एक्सिस पर जो एंगुलर मोशन है इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन, उसकी वजह से मोमेंटम क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एस की वैल्यू प्लस हाफ लेते हैं जिसको अपवर्ड एरो से शो करते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो एस की वैल्यू माइनस हाफ लेते हैं जिसको डाउनवर्ड स्पिन से शो करते हैं। स्पिन मोशन के वजह से एंगुलर मोमेंटम भी होगा, इसे एंगुलर मोमेंटम को हम इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। और यहाँ पर एम वी आर इक्वल टू एच अपॉन टू पाई एस इंटू एस प्लस वन मिलेंगे, जहाँ पर एस की वैल्यू हाफ है। डायरेक्शन के हिसाब से एंगुलर मोशन प्लस हाफ माइनस हम शो जरूर करते हैं, लेकिन एस की वैल्यू हाफ ही होगी केवल प्लस में, माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। यदि यहाँ पर एक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो एक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू एक्स बाई टू होगी, यानी इस इक्वेशन में एस की जगह पर एक्स बाई टू प्लेस कर देंगे। और यहाँ पर लास्ट में आता है हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात जो कर रहे थे हम, यहाँ पर जो आता है एंगुलर मोमेंटम की, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में यहाँ पर ई एच अपन फोर पाई एम सी हो जाएगा, म्यू एस इक्वल टू ई एच अपन फोर पाई एम सी एस इंटू एस प्लस वन, ये जूल में वैल्यू आती है। और आप जानते हैं बोर मैग्नेटॉन में ई एच अपन फोर एम सी की वैल्यू वन होगी, तो ये हो जाएगा एस इंटू एस प्लस वन बी एम। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट स्पिन मोशन की वजह से वहाँ पर अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप होते हैं। इन अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दोनों दो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन मोशन के साथ में अट्रैक्शन होगा। यदि सेम स्पिन होगा तो वहाँ पर रिपल्शन होगा, और अपोजिट स्पिन होगा तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगा। तो जब अपोजिट स्पिन होता था स्पिन पेयर्ड कहते हैं या पेयर्ड स्पिन कहते हैं, और जब सेम स्पिन होता था पैरेलल स्पिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा पॉलीज एक्सट्रूडन प्रिंसिपल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन वाला पार्ट यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। तो थैंक यू गाइस, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और जब तक आप इन वीडियो की सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाए।